बेशक यकीनन इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लेके आए और उस ईमान के साथ, यानी कि जो पीछे हक का जिक्र था कि जो अल्लाह की तरफ से हक आया था, उस पे जो लोग ईमान ले आए और उन्होंने अपने अमल भी बदल लिए, इन्ना ला नुदीउ अजरा, बेशक हम उसका अजर जाया नहीं करते, मन अहसन अमला, जितने अच्छा अमल किया, पहले अमिलुस सालिहात अच्छा अमल, अब अहसन अमला उसकी नेक्स्ट डिग्री बयान की जाए, उसने अपना अमल क्या मतलब, अहसन अमला का मतलब स्कॉलर्स ये कहते हैं, इसका मतलब ये कि उसके अमल में इखलास हो, वो अमल सिर्फ अल्लाह की खातिर करता हो, दिखलावा ना हो उसके अंदर, यानी कि लोगों के दिखाने के लिए। आजकल होता है कि हम किसी की खातिर कोई काम करते हैं, फिर जब वो शख्स आगे से हमें उसका रिस्पांस नहीं देता, एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, हम कह रहे हैं इसने तो मेरी बात को देखा ही नहीं, बस मैं अब ये काम नहीं करूँगा, लोग तो मेरी तारीफ नहीं करते, मैं काम नहीं करूँगा। अगर लोगों की तारीफ की वजह से आपने वो काम करना छोड़ दिया, इसका मतलब है आपके इखलास में मसला था, अब लोगों ने नहीं किया तो आपने लोगों की वजह छोड़ दिया, आप अल्लाह की खातिर कर रहे थे तो फिर उसको करते चले जाएं। आप 100 दफा करें और 100 दफा कोई भी ना देखे, यही तो इखलास है, इंसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर करता, जैसा कि सूरह दहर में फरमाया अल्लाह सुब्हाना इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, वो अगर किसी को खिलाते हैं तो सिर्फ अल्लाह के लिए खिलाते हैं, वो किसी को ये भी कह देते हैं कि मुझे थैंक यू ही नहीं बोलना, शुक्रिया नहीं कहना, इसकी भी जरूरत नहीं, बस अल्लाह के लिए खिला दे। जब एक मुसलमान सदका करे, उसका एक हाथ से सदका करे, दूसरे को नहीं पता चलना चाहिए। तो अमल जो है, जब इंसान कोई भी अच्छा अमल करता है और उसको अहसन अमला की कैटेगरी में लेके आना चाहता है, तो उसमें सबसे पहले तो ये कि उस अमल के अंदर इखलास होना चाहिए, और फिर उस अमल के अंदर वो अल्लाह की खातिर होना चाहिए, और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होना चाहिए। कोई भी ऐसा अच्छा अमल जो मैंने अपनी सोच से सोच लिया कि वो नेक अमल है, वो तब तक नेक नहीं हो सकता, वो तब तक अमल हमें क़यामत के दिन कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका उसमें शामिल नहीं। कोई भी इंसान अपनी तरफ से उठ के ये नहीं कह सकता ये बड़ा नेक अमल है, तुम सारे करना शुरू करो, नेकी का हर अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम, आज हमने तुम्हारा हम अपना दीन तुम पे मुकम्मल कर दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हल बल्लिगतु हल बल्लिगतु हल बल्लिगतु, सहाबा मैंने तुम तक पहुंचा दिया ना अपना दीन, का नाम या रसूल, यही तो मिशन कंप्लीट करने की खातिर उनको रातों को नींद नहीं आती थी, हम ये कहते हैं वो शायद कुछ बातें भूल गए, मैं तुम्हें बताता हूँ ये नेक अमल भी है, ये करोगे इतना ज़्यादा अजर मिलेगा, वो तो शायद 1 साल का कहकर कहते मैं तुम्हें 50 साल की बात का एक अमल बताता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, कोई शख्स ये कहेगा वो झूठा है। तो अमल में इखलास, अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, और नीयत इंसान की बिल्कुल सही होगी तो वो अहसन अमला की कैटेगरी के अंदर आएगा।